नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। तो खबर दिन भर में सबसे पहले बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट की। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने खतरे की घंटी बजा दी है। ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद दूसरी बड़ी सुर्खी इसी के समाधान से जुड़ी हुई है। दरअसल ओमिक्रॉन वायरस ने दुनिया भर में दहशत फैला दी है और अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें माना जा रहा है कि नया वेरिएंट कोरोना की वैक्सीन को भी मात देने में सक्षम है। कई वैज्ञानिक इस बात को लेकर चेतावनी दे चुके हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट आते हैं तो वैक्सीन को भी उसी तरह से अपडेट करना होगा। अब जब ओमिक्रॉन सामने आ गया है तो इसकी वैक्सीन पर भी काम तेज हो गया है। अमेरिकन कंपनी नोवावैक्स ने बताया कि उसने नए वेरिएंट को टारगेट करने के लिए वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने यह भी बताया कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी तैयार हो जाएगी। कंपनी के मुताबिक वो एक ऐसा स्पाइक प्रोटीन बना रही है जो इस वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाएगा। चलिए अब बात बॉलीवुड सितारों की कर लेते हैं। दरअसल अजय देवगन, आमिर खान, काजोल और जूही चावला की फिल्म इश्क को आज 24 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए एक्ट्रेस काजोल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के सॉन्ग अखियां तो मिलाले राजा पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि प्यार, जंग और 90 के दशक की फिल्मों में सब जायज है। इसके अलावा बोनी कपूर और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर अपने एक्टिविटी को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। इस बीच उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो टीवी रियलिटी शो की पूर्व कंटेस्टेंट पूजा मिश्रा के वायरल कैट फाइट वीडियो पर लिपसिंग करती दिख रही हैं। इस वीडियो में वो ब्लू कलर के टॉप के साथ व्हाइट कलर के शॉर्ट्स में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। साथ ही इस वीडियो को अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग भी लाइक कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि जापान अपने रक्षा बजट को इंक्रीज करेगा। जापानी मीडिया के मुताबिक जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ अक्टूबर में फोन कॉल पर बातचीत के दौरान बाइडेन ने उम्मीद जताई थी कि जापान अपना रक्षा बजट बढ़ाएगा। न्यूज रिपोर्ट में एक राजनीतिक स्रोत का हवाला देते हुए बताया गया है कि बाइडेन की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब किशिदा ने चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों के बीच देश की रक्षा के लिए एक मजबूत आत्मरक्षा बल बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद इसराइल ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब देश में किसी भी विदेशी नागरिक को एंट्री नहीं मिल पाएगी। इसके बाद इसराइल एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद ये कदम उठाया हो। इसराइल का कहना है कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए आतंकी विरोधी फोन ट्रैकिंग तकनीकी का प्रयोग करेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने एक बयान में बताया कि देश में विदेशी यात्रियों के आने पर 14 दिन तक प्रतिबंध जारी रहेगा। इस अवधि में वैज्ञानिक कोरोना के नए स्वरूप और इसमें होने वाले म्यूटेशन का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि चीजें और साफ हो जाएंगी और इसके संबंधित खतरे के बारे में पता चल सकेगा और साथ ही ये पता चल सकेगा कि कोरोना वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर कितना असरदार होगा। राजनीतिक गलियारों में रविवार का दिन बेहद खास हो गया है। खास होने की कुछ बड़ी ही वजह है। इसकी पहली वजह है कि सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इसको देखते हुए सरकार समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी रणनीति बनाने के लिए आज अलग अलग बैठक की। संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के मकसद से सरकार ने भी आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां इस बैठक की अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी ने की है। वहीं इससे पीछे सरकार का मकसद संसद के पटल पर पेश होने वाले विधेयकों को पारित करवाने में विपक्ष की अड़चनों को कम करना है। जानकारी के मुताबिक TMC के सुदीप बनर्जी ने कहा था कि TMC कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन बैठक में सभी दल शामिल हुए। पिछले दिनों आप छोड़कर पार्टी में शामिल हुए नेताओं को BJP ने पद देकर सम्मानित किया है। जानकारी के मुताबिक आपके जिला उपाध्यक्ष हेमराज शर्मा और उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र के संयुक्त सचिव रहे विजेंद्र वत्स को BJP ने जिले में उपाध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा आपकी संस्थापक सदस्य रही मीनाक्षी सभरवाल को पार्टी ने महिला मोर्चा का उपाध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया है। वहीं शनिवार को जिलाध्यक्ष मोहन गोयल ने इसकी घोषणा की, जिसके बाद जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने पटका और शॉल पहनाकर इनको स्वागत किया।
साथ ही मोहन गोयल ने उम्मीद जताई कि इन नेताओं के जुड़ने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस समय अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान लगाना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने नेशनल चयनकर्ताओं से कहा है कि कुछ समय के लिए उनके नाम पर विचार ना करें, क्योंकि वो पूरी तरह से फिटनेस को हासिल करने पर ध्यान लगा रहे हैं। 2019 में पीठ की समस्या के चलते सर्जरी के बाद से ही पांड्या भारत और मुंबई इंडियंस दोनों के लिए ही गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनका ध्यान गेंदबाजी में भी वापसी करने पर है और उन्होंने चयनकर्ताओं से उन्हें समय देने के लिए कहा है। पांड्या T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे, मगर 5 मैचों में वो सिर्फ 2 बार ही गेंदबाजी कर पाए, जिसमें उन्हें एक भी सफलता नहीं मिली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में चल रहे पहले टेस्ट की दूसरी पारी में भी श्रेयस अय्यर भारत के लिए संकट मोचक बनकर उभरे। अय्यर ने दूसरी पारी में भी अपना अर्धशतक लगाया और इसके साथ ही वो डेब्यू टेस्ट की एक पारी में शतक और दूसरी में अर्धशतक जड़ने वाले पहले भारतीय बन गए। उनसे पहले सुनील गावस्कर ने 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाए थे। श्रेयस की पारी के बदौलत ही भारत न्यूजीलैंड पर 200 रन से ऊपर की बढ़त हासिल कर पाया है। इससे पहले श्रेयस अय्यर ने पहली पारी में 105 रन बनाए थे और डेब्यू पर शतक ठोकने वाले 16वें भारतीय बने थे। डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय लाला अमरनाथ हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1933 में मुंबई टेस्ट में ऐसा किया था।